पश्चिम बंगाल में ममता को भेजा गया धमकी भरा पत्र, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 करोड़ देने की लिखी बात, टीएमसी नेता अनुरूपा पोदार के घर पहुंचाई गई चिट्ठी, पत्र लिखने वाले के नाम के साथ पता और फोन नंबर भी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता को एक चिट्ठी मिली है जिसमें पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने की बात लिखी गई है और ऐसा करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की बात भी लिखी है। इस चिट्ठी से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। बताया जाता है कि 9 जून को ये चिट्ठी कोलकाता स्थित टीएमसी नेता अनुरूपा पोदार के घर पर पहुंची। ममता बनर्जी को धमकी मिलने की जानकारी पोदार ने सेरामपुर पुलिस स्टेशन को दी है। पुलिस को चिट्ठी की एक कॉपी भी सौंप दी गई है। बताया जाता है कि धमकी भरी ये चिट्ठी राजीव किल्ला नाम के किसी शख्स ने भेजी है। इसमें 3 लोगों के फोन नंबर भी दिए गए हैं। धमकी भरे इस पत्र में ममता बनर्जी की फोटो भी छापी गई है और उन्हें राक्षस और जिहादी बताते हुए उस शख्स को 1 करोड़ रुपये इनाम देने की बात कही गई है जो उन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ सकता है। चिट्ठी भेजने वाले ने पत्र में एक पता भी लिखा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को इस तरह की धमकियां मिली हों। उन्हें पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। एक बार उस वक्त भी विवाद हुआ था जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने ममता बनर्जी को हिरण्यकश्यप के खानदान से होने की बात कही थी। फिर अभी हाल ही में बिहार से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भी बंगाल में भाजपा विजय यात्रा न निकाले जाने पर कहा था कि जनता उनका श्राद्ध जुलूस निकालेगी। लेकिन इस बार तो उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात लिखकर उनकी पार्टी के नेता के घर चिट्ठी पहुंचा दी गई है।